अगर आप फीडलॉट फिटनिंग का कारोबार करना चाहते हैं तो जानिए उस वीडियो में जानवर फरवा करने के लिए कौन कौन सी फार्म पर मशीनरी दरकार होंगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आज आपको फीडलॉट फिटिंग के फार्म पर दरकार मशीनरी के मुतालिक इस वीडियो में बताया जाएगा। नोट, उस वीडियो में डेयरी के फार्म पर दरकार मशीनरी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। एक, अगर बड़े पैमाने पर काम करना हो तो ट्रैक्टर ट्राली, जिससे खेतों में बीजी आही और ताज़ा सब्ज चारा फार्म तक पहुंचाने में मदद ली जाए। दो, अगर बड़े पैमाने पर काम करना हो तो फीडमल अपनी होनी जरूरी है, जिससे ज्यादा पैमाने पर TMR टोटल मिक्स राशन बनाया जा सके। दूसरी सूरत में आप दाना जात को किसी करीबी चुकी से भी पसवा सकते हैं। तीन, चारा कुतरने के लिए टोका, जो कि मशीनरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है या हाथ से चलने वाला। अगर शुरू में ज्यादा खर्चा न करना चाहे तो हाथ वाला सस्ता होने की वजह से बेहतर रहेगा, मगर उसके लिए अफरादी को दरकार होगी। चार, चारा जात की कटाई, अगर बड़े पैमाने पर काम करने का इरादा है तो फिर ऑटोमेटिक कटिंग मशीनरी दरकार होगी, और अगर छोटे पैमाने पर फार्म है और चारा जात भी ज्यादा जमीन पर काश्त नहीं तो फिर दो तरीकों से कटाई की जा सकती है। नंबर एक, हाथ वाली दरांदती से, मगर उसमें आपको अफरादी को दरकार होगी। नंबर दो, आजकल छोटी और हल्के वजन वाली और पेट्रोल से चलने वाली ऑटोमेटिक मशीन दस्तयाब है, जिसकी कीमत भी मुनासिब है और उससे कंपोस्ट से जल्दी और ज्यादा चारा काटा जा सकता है। पांच, हाथ वाली रेड़ी, जो गोबर उठाने के काम आए और उसके साथ जरूरत के मुताबिक बेलचे, छी, फरिशी कांटा, जो के हर 15 दिन बाद जानवरों का वजन करने के काम आए, ताकि फार्म की प्रोग्रेस का अंदाजा सही से हो सके, जिसकी लंबाई 6 फिट, चौड़ाई 4 फिट और 1500 किलो तक वजन नापने की गंजाइश रखता हो। सात, वांडा, अगर खुद बनाना हो तो एक आदित मिक्सिंग यूनिट। आठ, शीरे का पंप या हस्ब जरूरत बाल्टी, शीरा स्टोर्स करने के लिए बड़ा टप। नौ, वेटनरी किट, जो इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सके, उसमें तमाम किस्म के सिरिंज और टेस्ट ट्यूब, खुदान खास्ता सांप काटने की सूरत में रबर सक्शन पंप और सैंपल लेने के लिए बैग वगैरह शामिल हैं। इस पॉइंट के लिए अलीहदा से हमारे चैनल पर वीडियो देखें। दस, पानी का पंप और उसके साथ हस्ब जरूरत पाइपलाइन। 11, सफाई के लिए जदीद तर्ज की वाटर प्रेशर मशीन, जिसके इस्तेमाल से कम पानी और कम वक्त में ज्यादा काम किया जा सकता है, बसूरत दीगर पानी का पाइप, जो पानी के पंप के साथ लगा कर फार्म की पानी से सफाई हो सके। 12, एक अदीद हस्बे जरूरत जनरेटर, जो कि बसूरत दीगर जब बिजली न हो तो जानवरों की पानी की जरूरत को पूरा करने में काम आए, क्योंकि पानी 24 घंटे फार्म पर अवेलेबल होना इंतहाई जरूरी है। 13, लोडिंग के लिए अगर अपनी छोटी सुजुकी पिकअप हो तो मुनासिब है, जिसे दूसरे इलाकों या मंडी से वक्तन फोक्तन खरीदे गए जानवरों को फार्म तक पहुंचाया जा सके, उससे आपको और बहुत से फवायद हासिल होंगे। बसूरत दीगर, अगर शुरू में गाड़ी न खरीदना मकसूद हो तो किराया पर हासिल की जा सकती है। याद रखें, जितना बड़ा काम होगा गाड़ी भी उसी हिसाब से छोटी बड़ी होगी। 14, वैसे तो फरवा करने वाले जानवरों को एक दाड़ा यानी मखसूस जगह पर खोला छोड़ना मुनासिब है, मगर कुछ जानवर दूसरे जानवरों को तंग करते हैं, उनको बांधने के लिए रस्सी या लोहे की चैन और फार्म में, जिसे पेटा भी कहते हैं, होना चाहिए। 15, जैसा कि पाकिस्तान में जानवर फरवा के मकसद से रखे गए जानवर लाट की सूरत में पालने चाहिए, तो फिर उनके रिकॉर्ड के लिए जानवरों को निशानदेही करने के लिए टैग और टैगिंग गन होना लाजमी है, जिससे जानवरों की पहचान आसान हो। 16, जानवरों के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर या कंप्यूटर, जिसमें कीमत खरीद से लेकर कीमत फरवख्त और फार्म पर फीड, अद्वियात, लेबर और ट्रांसपोर्ट तक के तमाम अखराजात का हिसाब किताब नोट किया जाए और उस बात का तखमीना लगाया जाए कि कितना खर्चा हुआ और कितना नफा। 17, जैसा कि मौसम बदलता रहता है और बहुत सी चीजों को बारिश के पानी से बचाना जरूरी होता है, उस सूरत हाल में फार्म पर तरपाल की जरूरत पड़ती है। 18, बदलते मौसम में, खास तौर पर गर्मियों में, जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए वाटर मास्क सिस्टम या वाटर कूलर या पंखे। याद रखें, जानवर अगर मौसमी असरात से मुतासिर हुआ तो फरवा करने का मकसद नाकामी का बाइस बन सकता है, उसलिए टेम्परेचर 26 सेंटीग्रेड मुहैया करना चाहिए। 19, जैसा कि फार्म पर जानवरों की डेवर्मिंग करना लाजमी होती है या इलाज मुआवजा, और उस सिलसिले में जानवरों को कंट्रोल करने के लिए केटल क्रिशन की मौजूदगी भी उस काम को बहुत आसान बना देती है, अलबत्ता देसी तौर तरीकों के मुताबिक जानवरों को दरख्त या पेलिस से बांध कर काम चलाया जा सकता है, जो कि जानवर की मजम्मत की सूरत में जानवरों के जख्मी होने के खतरात बढ़ सकते हैं। केटल क्रिशन, जो कि जानवरों को नहलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 20, वैसे तो फरवा करने के लिए जानवरों की उम्र 9 से 12 माह होनी चाहिए और वजन 90 से 100 किलोग्राम, बसूरत दीगर अगर छोटे दूध पीते बच्चे रखने का इरादा, उस सूरत में अखराजात बढ़ जाते हैं और मुनासिब रेट न मिलने पर नुकसान पहुंचता है, हो तो उनको दूध पलाने के लिए नीपल वाली बोतल हस्ब जरूरत चाहिए होती है।
21 वसूद छोटे बच्चे पालने के दूध पीते बच्चे को दूध सर्दी में नॉर्मल टेम्परेचर में देने के लिए दूध को गर्म रखने के लिए हीटर की जरूरत होगी। 22 अद्वियात को ठंडा रखने के लिए एक विद्युत रेफ्रिजरेटर। 23 फार्म पर मौजूद लेबर के लिए खाने पीने के हस्ब जरूरत बर्तन चूल्हा चारपाई टेबल या चटाई और कुर्सियां वगैरह। 24 जैसा कि मालिक अगर दिन भर फार्म पर मौजूद न हो तो एक विद्युत मॉनिटरिंग कैमरा जिससे जानवरों और बाकी फार्म के मामलात पर नजर रखी जा सके। 25 फार्म पर हस्ब जरूरत बिजली की फ्राहमी और रोशनी के लिए लाइट हो सके तो इमरजेंसी लाइट। 26 जानवरों को नहलाने के लिए ब्रश और फर्श को साफ करने के लिए ब्रश। 27 फार्म पर सर्दियों या गर्मियों में आबाव हवा का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर जिससे वक्तन फोक्तन जानवरों का बुखार चेक करना मकसूद हो। 28 जानवरों को अदुयात देने के लिए उनका मुंह खोलने के लिए माउथ गार्ड जिससे आसानी पैदा होती है और अदुयात को बआसानी खुराक की नाली में जाने से रोका जा सकता है। वैसे देसी तरीका इलाज अदुयात का जाया जाना और खुराक की नाली में जाने के खदशात बढ़ जाते हैं। 29 मुख्तलिफ किस्म के मिसाला जात की पिसाई के लिए छोटी ग्रेंडर मशीन। 30 जानवरों का कद नापना मकसूद हो तो पीमाइश के लिए 3 से 5 मेड़ काफी था। 31 जैसा कि आप जानते हैं हर जिंदा चीज ने मौत का जायका छकना है, ऐसे अल्लाह ताला न करे कि किसी जानवर पर मौत की कैफियत तारी हो जा और इसे जुबा करना मकसूद हो तो उसके लिए फार्म पर तेज धार छड़ी या चाकू लाजमी तौर पर मौजूद हो। 32 मुख्तलिफ किस्म के मिसाला जात को फिंगस से महफूज करने के लिए 4 हस्ब जरूरत चाहिए होंगे। 33 काम करने के दौरान या अदुयात पलाते वक्त कपड़ों की हिफाजत के लिए प्लास्टर का प्रेन। आज के साथ ही दोस्तों आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ सब जरूरी अशिया लिखी गई हैं। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख दे ताकि बाकी दोस्त अखबार को भी आगाही हासिल हो जाए। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।